हेलो दोस्तों, अगर आप हमेशा स्वस्थ और मस्त रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को हरे कृष्णा योग मंत्र मीना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हरे कृष्णा योग मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मुद्रा की इस श्रृंखला में आज हम एक नई मुद्रा सीखेंगे जिसका नाम है सहज शंख मुद्रा। इससे पहले मैंने शंख मुद्रा बताई है, अब मैं बात करूंगी सहज शंख मुद्रा के बारे में। सहज शंख मुद्रा यह एक वर्जन ही है शंख मुद्रा का, इसलिए इसके बेनिफिट्स भी शंख मुद्रा से मिलते जुलते ही हैं। कुछ बेनिफिट्स को छोड़ के बाकी सब सेम ही हैं। योगासन की चटाई बिछा लेंगे आप, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन या किसी और आसन में या चेयर पर भी बैठकर किसी भी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन इस मुद्रा को अगर आप वज्रासन में करेंगे तो इसका फ़ायदा बहुत जल्दी होगा, यानी इसको करने की इम्पोर्टेंस वज्रासन में ज़्यादा बताई गई है। सबसे पहले सीखेंगे इसको करने का तरीका। आप जब भी मुद्रा के लिए तैयार हो जाएंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहनी चाहिए, आपकी बैक एकदम स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट एंड हेड आल्सो स्ट्रेट। अब आप पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर केंद्रित करेंगे और यह मुद्रा करने के टाइम अगर आपने मूल बंद के साथ की तो इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। सबसे पहले सीखेंगे इसको करने का तरीका। अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में फंसाकर, हथेलियों को दबाकर तथा दोनों अंगूठों को बराबर में मिलाकर रखने से सहज शंख मुद्रा बन जाती है। यह मुद्रा कहीं भी किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन इसको करने का टाइम सुबह और शाम बेस्ट माना गया है। इसको करने का पीरियड टाइम 15 to 45 मिनट्स है, लेकिन आप 15 15 15 के तीन स्लॉट्स में भी कर सकते हैं या सुबह और शाम 15 15 मिनट्स भी कर सकते हैं। इस मुद्रा को करने से जिन महिलाओं को मासिक धर्म समय पर नहीं आता है, यानी पीरियड्स का प्रॉब्लम है या जो पीरियड्स का फ्लो है, स्त्राव जिसको बोलते हैं, वो कम आता है या ज़्यादा मात्रा में आता है, उनके लिए यह मुद्रा बहुत उपयोगी होती है, यानी इससे बहुत लाभ होता है। दूसरा फायदा है इस मुद्रा को रोज़ाना करने से गुदा रोग यानी एनस के प्रॉब्लम जैसे बवासीर, बगंदर, यह सब ठीक होते हैं। इससे हकलाना, तुतलाना, स्पीच और वॉइस से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम, गले से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम ठीक होते हैं। इनडाइजेशन पावरफुल होता है, गैस दूर हो जाती है जिससे भूख खुलकर लगती है, यानी तेज हो जाती है। यह भूख जिनको नहीं लगती है उनके लिए बहुत खास है। योग फिलॉसफी के अकॉर्डिंग दोस्तों, हमारे शरीर में 10 मेन नाड़ियाँ होती है, जिनमें से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मेन है। यह नाड़ियाँ सब एक्टिवेट हो जाती हैं इस मुद्रा का अभ्यास करने से, और अलर्टनेस बढ़ जाती है, इससे अवेयरनेस बढ़ जाती है। और जिसमें शंखनी नाम की जो नाड़ी है उस वो एक्टिवेट होने से मूलाधार चक्र को एक्टिव कर देती है, और उसकी वजह से सुप्रीम पावर यानी कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से स्पाइनल कोड बहुत ही सीधी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, और धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि स्लिप डिस्क जैसे प्रॉब्लम भी इस मुद्रा का रेगुलर अभ्यास करने से ठीक हो जाते हैं। शंख मुद्रा की तरह यह स्टमक और इंटेस्टाइन और बाकी सभी प्रॉब्लम्स में सहायक है। जिन लोगों को पाइल्स है और वो अपनी पाइल्स ठीक करना चाहते हैं, इसलिए इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहते हैं, तो वो अभ्यास करेंगे डेली आधा घंटा तो उनको बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसके साथ कुछ और भी करना पड़े। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि पाइल्स हो, फिशर हो
एनस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, इन सभी का मूल कारण कॉन्स्टिपेशन कब्ज है। जब तक आप उसको रिलीज़ नहीं करेंगे, सारे जो भी आपके सॉल्यूशन मिलेंगे वो टेम्प्ररी रहेंगे। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए फ़ाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। अपने डेली डाइट में फ़ाइबर का इस्तेमाल करना ना भूलें। पानी बराबर मात्रा में पिएं, थोड़ा एक्सरसाइज वॉक ज़रूर करें, तो आपका ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन का मूल कारण और कॉन्स्टिपेशन को हमेशा के लिए ठीक करें, मेरे दो वीडियो हैं। मैं दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। आप वो खोल के देखेंगे तो आप हमेशा कॉन्स्टिपेशन से निजात पा लेंगे। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रेम से रहें। धन्यवाद।